अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मैरिज के सेलिब्रेशन में एक से बढ़कर एक एक्टर ने परफॉर्मेंस दी। यहाँ तक कि सलमान खान मोस्ट बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर उनके सारे फंक्शन में मौजूद रहे, लेकिन बॉलीवुड के वंस अपॉन ए टाइम हीरो नंबर वन गोविंदा पूरे फंक्शन अटेंड करने से गायब रहे। ना उन्होंने प्री वेडिंग फंक्शन अटेंड किया, ना हल्दी, ना म्यूजिक नाइट, ना मैरिज, ना शुभ आशीर्वाद। यहाँ तक कि मोस्टली इवेंट से गायब होने के बाद वो फाइनली पहुंचे मंगल उत्सव सेलिब्रेशन में, जो कि शादी के तीसरे दिन था। यहाँ पर गोविंदा सलमान खान से जोरदार तरीके से इंस्पायर दिखे। हालांकि सलमान खान से उनके इंस्पिरेशन कनेक्शन क्या है और सलमान खान की किस बात को कॉपी कर रहे हैं गोविंदा, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली सलमान खान तो इस पूरे फंक्शन में लगातार हर दिन मौजूद रहे, डिफरेंट ड्रेस में, डिफरेंट अटायर में, डिफरेंट मूड में, बट गोविंदा पहुंचे अपने आखिरी दिन बहुत ही रॉयल स्टाइल में। और उनकी जो स्टाइल थी वो सलमान खान से इंस्पायर्ड इसलिए थी बिकॉज सलमान खान की तरह गोविंदा ने भी हाथों में एक ब्रेसलेट पहना था जो नीले रंग का था, फ्रोजी कलर का। ये बिल्कुल वैसे ही ब्रेसलेट है जो सलमान खान की किस्मत को बदल चुका है और गोविंदा भी चाहते हैं उनकी किस्मत का तारा पलट जाए, इसलिए शायद गोविंदा सलमान खान के स्टाइल में ब्रेसलेट को पहनते हैं और वो भी सलमान खान की तरह अकेले एंट्री मारते हैं। बहरहाल गोविंदा अनंत अंबानी के मंगल उत्सव में शेरवानी पहनकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने दाएं हाथ की कलाई में वही फिरोजी ब्रेसलेट पहना था जो सलमान खान ने अपने कैरियर की शुरुआत में पहना और अपने स्टार पूरी तरीके से बदल दिए। गोविंदा को वैसे बहुत अंधविश्वासी कहा जाता है, वो पूरी तरीके से पंडितों की बातों को, रिचुअल को फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों की शूटिंग करते हैं। अंगूठी बहुत सारी पहनते हैं, माथे पे जाकर टीका लगाते हैं, मंदिर मस्जिद क्रिश्चियन हर जगह माथा टेकते हैं, कुल मिलाकर वो पूरी तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंड चलते हैं। ऐसे में सलमान खान ने कोई बड़ी बात नहीं उनको सजेस्ट किया हो फिरोजा ब्रेसलेट पहनने का, इसलिए गोविंदा ने उसी को फॉलो किया। हालांकि एक बार गोविंदा ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि सलमान खान उनके अच्छे दोस्त हैं और सलमान खान से काफी मामलों में सजेशन लेते रहते हैं। हालांकि वही गोविंदा है, उन्होंने एक बार सलमान खान पर आरोप लगाया था और कहा था कि जुड़वा मूवी मैं करने वाला था, बाद में गोविंदा ने सलमान खान को दे दी और बाद में सलमान खान जैसे बड़े लोग उनकी फिल्मों को रिलीज होने से रोकते हैं, ये आरोप भी सलमान खान पर लगा चुके हैं। पर गोविंदा वक्त के साथ बदलते रहते हैं और कई बार उनके मिजाज में बहुत डाउटफुल नेचर की बात सामने आती है। बाल गोविंदा मानते हैं कि फिरोजा बहुत ही खूबसूरत है, इन लोगों को पीस देता है, इसलिए उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं कि सलमान खान ही कॉपी करते हैं, बिकॉज सलमान खान जो भी काम करते हैं वो बहुत ही खुले मन से करते हैं, शायद इसीलिए गोविंदा ने फिरोजा ब्रेसलेट को पहना है। हालांकि सलमान खान की तरह गोविंदा भी अगर अंबानी की मैरिज में पूरे टाइम दिखाई दिए होते तो मे बी वो सलमान खान के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते, पर सलमान गोविंदा इस पूरे इवेंट में एक फ्रेम में बहुत कम दिखाई दिए। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।